नमस्कार, ग्रीटिंग्स फ्रॉम हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड मेड टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल। जितने लोगों को देखो उबलता हुआ पानी पी रहे हैं 60 डिग्री से ज्यादा का, ये सोच के कि उबला हुआ पानी वायरस मार देगा, बट वायरस तो मेरे शरीर में घुस गया, वो तो मेरी सेल के अंदर में घुस गया। जिस तो क्या आप 24 घंटे पानी पीते रहोगे? आयुर्वेद में तो कहीं नहीं लिखता कि आप गर्म पानी पियो या ठंडा पानी पियो, हर जगह पे ल्यूक वार्म वाटर है। सब लोग कहते हैं कि ल्यूक वार्म वाटर के अंदर में अदरक का पानी पीते हो तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, बट उबलते हुए पानी का तो कोई मेंशन नहीं है। आप ठीक है, गर्म चाय पी सकते हो दिन में एक बार दो बार, लेकिन हर आधा घंटे में अगर आप चाय पियोगे गर्म गर्म उबलती हुई, या हर चीज उबलता हुआ आप खाओगे, तो फिर तो आपके फेरेंस में छाले हो सकते हैं। और ये जो कॉन्स्टेंट फीलिंग इंडिया में आ रही है कि मेरे गले में कुछ अटका हुआ है, ये कहीं ना कहीं गरम गरम काढ़ा या गरम गरम पानी पीने से है। काढ़ा पीजिए, चाय पीजिए, पानी पीजिए, लेकिन ल्यूक वार्म उबलते हुए चाय का कहीं पर भी कोई मेंशन नहीं है कि आप उबाल के और बिल्कुल उबलती हुई पानी को हर आधा घंटे में या एक घंटे में पिए। नमस्कार।